क्वेश्चन नंबर 9 को आप जल्दी से पढ़ लीजिए, जब तक मैं इसको कॉपी डाउन कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है भाई, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। इन्वोलेटरी मैट्रिक्स बहुत ही आसान सी चीज है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसके अंदर। आपको क्या करना है, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स या आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, या क्या कहा जा रहा है कि भाई बताओ इनमें से इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कौन सा है और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स कौन सा है, इस चीज को फाइंड आउट करना है। सिंपल सी चीज अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 को मैं लिख देता हूं जल्दी से। क्या पार्ट है भाई, माइनस का 5, माइनस का 8 और 0। माइनस का 5, माइनस का 8 और 0। अच्छा भाई, और क्या है फिर, है दूसरी रो आ रही है 3, 5 और 0, और तीसरी रो क्या आ रही है 1, 2 और -1। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन का बेसिक समझ लेते हैं क्या चीज है। भाई देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बताओ या तो ये मैट्रिक्स क्या है, इन्वोलेटरी कौन सा है या आइडमपोटेंट। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई ये जो आपका पर्टिकुलर मैट्रिक्स आ रहा है, बताओ ये या तो इन्वोलेटरी होगा या फिर क्या होगा, आइडमपोटेंट होगा। अब दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पहले जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होता है कि अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लूं और आंसर में क्या मिल जाए, हमें ए अचीव हो जाए, यानी कि वापस से ओरिजिनल क्वेश्चन ही बन जाए, तो ये आइडमपोटेंट मैट्रिक्स होता है। व्हाइल ऑन दी अदर हैंड, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लूं और आंसर में मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, तो इसको इन्वोलेटरी मैट्रिक्स कहते हैं। दोनों चीजें बड़ी गौर से समझिएगा, बात बड़ी सिंपल सी करने वाला हूं कि भाई क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको चीज मालूम होनी चाहिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं, सही है ना भाई, और मैंने आपको मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन करना बहुत डिटेल में सिखा दी, अब तो आपके लिए कोई मसला नहीं होनी चाहिए, सही है ना भाई। आपको कहा जा रहा है कि यार मैं आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूं, बताओ ये मैट्रिक्स इन्वोलेटरी है या आइडमपोटेंट है। देखो भाई, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लूं, यानी कि एक दफा क्वेश्चन को दोबारा क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करवाऊं, अगर तो आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। रिमेंबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होता था, जिसके सिर्फ डायगोनल्स के अंदर 1 1 1 होंगे, बाकी तमाम नॉन डायगोनल जीरो होते हैं, उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडमपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का स्क्वायर लूं, आंसर में वापस से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए, इसको आइडमपोटेंट कहते हैं। यानी कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बड़े मजे की है कि भाई कभी भी ये इन्वोलेटरी या आइडमपोटेंट मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आए, आपको दोनों सूरतों में फाइंड तो ए स्क्वायर ही करना है, और ए स्क्वायर का आंसर अगर आई के बराबर आएगा तो आप कह दोगे भाई इन्वोलेटरी मैट्रिक्स है, और अगर ए स्क्वायर का आंसर ए के बराबर आएगा तो आप कह दोगे आइडमपोटेंट मैट्रिक्स है। यानी कि फाइंड एट द एंड ऑफ द डे ए स्क्वायर ही करना है, सही है ना भाई। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीकेकार, मेरे ख्याल में अब क्वेश्चन में कोई मसला नहीं होगा, मैंने क्वेश्चन की पूरी बागडोर आपको समझा चुका हूं, अब सिंपलीफाई कर लेंगे जल्दी से भाई। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं यार इस क्वेश्चन को, तो क्या लिखोगे, वी हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, हमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स को फाइंड करना है, ये कौन सी है, वी हैव टू फाइंड द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। हमें जल्दी से क्या करना है, मेरा बेटा आई का मतलब होता है, आई का मतलब इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होता है भाई, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो ये आई का मतलब क्या, ये पूछ रहे हो फैजल बेटा, बेटा आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैंने जब मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ाई थी आपको पढ़ाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, सही है मेरा बेटा। क्या लिखेंगे भाई, वी हैव टू फाइंड दी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सही है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, और उसको फाइंड करने के लिए जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई कि दोनों सूरतों में, चाहे इन्वोलेटरी मैट्रिक्स फाइंड करना है या चाहे आइडमपोटेंट मैट्रिक्स फाइंड करना है, दोनों सूरतों में करना तो ए स्क्वायर ही है, करना तो ए स्क्वायर ही है, यानी कि हमें डेस्टिनेशन पता चल गई जाना कहां है, सही है ना भाई। ये सबसे आसान चीज है इस क्वेश्चन की, जल्दी से लिख देंगे भाई। सबसे पहले लेट ए, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको ए के बराबर सपोज कर लीजिए। ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या है, -5, -8, 0, और क्या है 3, 5, 0,
और क्या है 1 2 -1, तो हमने पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स को लिख दिया, तो सबसे पहले यहाँ पे वही लिख देंगे। सबसे पहले चूंकि हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है और ए स्क्वायर का आंसर बताएगा कि मैट्रिक्स कौन सा है, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई सबसे पहले हम ए स्क्वायर को फाइंड कर लेंगे और वो जो ए स्क्वायर का आंसर होगा ना वो बताएगा कि भाई हमारा मैट्रिक्स किस तरह का है। सही है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिख देंगे इस बात को। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दी ए स्क्वायर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए स्क्वायर फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दी ए स्क्वायर, क्योंकि जो ए स्क्वायर का आंसर होगा अगर वो आई के बराबर आ गया यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, तो इनवोलेटरी होगा, और ए के बराबर आ गया तो आइडमपोटेंट होगा। सही ना मेरे प्यारे बच्चों, तो ए स्क्वायर सबसे पहले फाइंड करना जरूरी है। और ए स्क्वायर फाइंड कैसे करेंगे, जो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स है अगर मैं उसको दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए आ जाएगा। और अब मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन भाई आज की क्लास के बाद तो अजबर याद हो जानी चाहिए। खुदा रहा आप कोई बच्चा मुझसे ये ना बोले सर मल्टीप्लाई कैसे होता है, मैंने अपनी तरफ से पूरी जान मार दी। मेरा बेटा 3 5 0 1 2 -1, सिंपल क्या करना है आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? भाई वो तमाम बच्चे भाई अगर आपको समझ में आ गया तो आपने साथ साथ सॉल्व करना स्टार्ट करो खुद से भी। सही ना, खुद से भी सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगला क्वेश्चन अभी क्लास के तौर पे आपको क्लास वर्क दूंगा और आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, पहले बता रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, आसान सी चीज है भाई। अच्छा अब देखो भाई कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। देखो सिंपल तरीके से आपने सबसे पहले इस वाले कॉलम को कंसीडर कर लेना है और ये पहली रो से मल्टीप्लाई होगा, तो -5 और -5 क्या होता है? आप तमाम लोग बोलेंगे सर इसमें क्या बच्चों वाली बात है, प्लस का 25 होगा। सर -8 × 3 क्या होगा? भाई -8 और 3 बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा -24 के। और देखो ये 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो के ऊपर जाऊंगा, 3 × -5 क्या होगा? नेगेटिव का 5 और 3 मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सिंपली नेगेटिव के 15 के। 5 × 3 किसके बराबर होता है, प्लस के 15 के। और 0 × 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। फिर देखो ये 1 × -5 क्या होगा, नेगेटिव के 5 के। 2 × 3 किसके बराबर होगा, 6 के। और नेगेटिव का 1 किसके बराबर होगा, नेगेटिव के 1 के बराबर होगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब फाइनली आप चले जाओगे सेकंड कॉलम के ऊपर, किसके ऊपर चले जाओगे भाई, सेकंड कॉलम के ऊपर। सेम प्रोसीजर, नेगेटिव का 5 × 8 मेरे प्यारे बच्चों, 5 × 8 क्या होता है? हाँ भाई प्यारे बच्चों, नेगेटिव का 5 और नेगेटिव का 8 क्या होता है? भाई नेगेटिव का 5 जब नेगेटिव के 8 से मल्टीप्लाई होगा, 5 8 जार, हाँ भाई 5 8 जार 40 किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। फिर नेगेटिव का 8 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा, जब नेगेटिव का 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, अगेन ये बन जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से नेगेटिव का 40। और 0 × 2 क्या हो जाएगा, सिंपली 0 हो जाएगा। फिर ये देखो 3 जब नेगेटिव 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 3 जार 24 हो जाएगा नेगेटिव का, सही है ना। फिर ये 5 5 जार क्या हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। और 0 × 2 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। फिर ये 1 जब नेगेटिव 8 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का 8 आएगा। ये 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जार 10 बन जाएगा। और ये नेगेटिव का 1 × 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से नेगेटिव का 1 × 2 इज सिंपली -2। क्लियर है भाई, ये काम भी कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखो भाई अगेन अब आप थर्ड कॉलम से पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी भाई, बहुत सिंपल मजे की चीज होती है। अब देखो भाई नेगेटिव का 5 × 0 जीरो हो गया, नेगेटिव का 8 × 0 ये भी जीरो हो गया, और 0 × -1 ये भी माशाल्लाह से जीरो हो गया। फिर 3 × 0 जीरो हो जाएगा, ये 5 × 0 जीरो हो जाएगा प्लस का, ये 0 × -1 ये भी जीरो हो गया। इसको देखो भाई ये 1 × 0 क्या हो गया, जीरो हो गया। ये 2 × 0 क्या हो गया, जीरो हो गया। ये नेगेटिव का 1 क्या हो गया, प्लस का 1 हो गया। अब जल्दी से इसको एक दफा उतार लो और फिर चेक कर लेंगे कि ए स्क्वायर का आंसर किसके बराबर आ रहा है। अब देखो भाई 25 में से अगर 24 निकाल दो क्या बचेगा, +1। -15 +15 जीरो, -5 -1 -6 -6 +6 इसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। 40 -40 क्या हो गया, जीरो हो गया। -24 +25 क्या हो जाएगा, -24 +25 प्लस का 1 हो गया। है ना मेरे प्यारे बेटे, प्लस का 1 हो गया। -8 -2 क्या हो गया, -10 हो गया। -10 +10 क्या हो गया, जीरो हो गया। 0 का 0 एज इट इज, फिर यहाँ पे भी 0 + 0 + 0 जीरो आ गया। और 0 + 0 + 1 किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, गौर से देख के बताओ, ये जो मैट्रिक्स बन रहा है कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है कि सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स के अंदर 1 की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और नॉन डायगनल 0 है। इस मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि जब मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करा, ए स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करने के ऊपर मेरे पास आंसर क्या आ गया, आई के बराबर आ गया। और कभी भी अगर तुम्हारे मैट्रिक्स का आंसर, तुम्हारे ए स्क्वायर का आंसर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के ऊपर आंसर आइडेंटिटी के बराबर आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इनवोलेटरी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं मेरे प्यारे शागिर्द,
क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसको? इसको कहते हैं इनवोलेटरी मैट्रिक्स, यानी कि हमने प्रूफ कर लिया कि ये जो मैट्रिक्स मुझे गिवन था ये क्या था, इनवोलेटरी मैट्रिक्स था। क्लियर है भाई? यहां तक किसी बच्चे को कोई मसला? क्या काम करा, क्या प्रोसीजर किया, दोबारा सुन लीजिए भाई। आपको मैट्रिक्स गिवन है, आपने सिंपल तरीके से एग्जामिनर पूछता है बताओ इनवोलेटरी है या आइडमपोटेंट है। भाई इनवोलेटरी होता है कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के ऊपर अगर आइडेंटिटी आ गया तो इनवोलेटरी होगा, और मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे अगर ए आ गया तो आइडमपोटेंट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया, इनवोलेटरी बन गया। क्लियर है? किसी बच्चे को इस कॉन्सेप्ट में कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से पूछो। वेरी गुड। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेरा बेटा आपकी बात पे जवाब दे देता हूँ आपको। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 की क्लास फर्क है। अभी हाथ के हाथ बैठ के सॉल्व करूँ, मैं इसको खुद सॉल्व करवा के समझा भी दूंगा, बट पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से सॉल्व करो। देखो आज की क्लास वक्त मैं 5-6 मिनट लेट एक्स्ट्रा खींचूंगा क्योंकि मुझे आज एक्सरसाइज एंड करवानी है हरारत के अंदर। सही, कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि मैं पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्ड कर चुका हूँ, तो आप इजिली इसको पढ़ सकते हो, कोई मसले की चीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 काइंडली तमाम बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सारे के सारे। सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है कि भाई अगेन सबसे पहले स्टेटमेंट लिख दो कि फाइंड क्या करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, ए स्क्वायर फाइंड करने पे जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इस मैट्रिक्स में फाइंड करना है आया ये इनवोलेटरी है या आइडमपोटेंट है। सबसे पहले आपको निकालना तो ए स्क्वायर ही पड़ेगा, और अगर आंसर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो क्या कहलाएगा, इनवोलेटरी, और अगर आंसर में ओरिजिनल मैट्रिक्स ए आ गया तो क्या कहलाएगा, आइडमपोटेंट। जल्दी से आप तमाम स्टूडेंट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई एम जस्ट वॉचिंग, आई एम जस्ट सॉल्विंग। तमाम बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पहले खुद से, और फिर मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है अगर किसी को नहीं आ रहा होगा। जल्दी से तमाम बच्चे लग जाए सॉल्व करने के लिए, मुझे सबसे आंसर चाहिए बेटा। तो भाई अब मैं समझा देता हूँ बेटा क्वेश्चन को। क्वेश्चन सिंपल सा था, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 आपको एक क्वेश्चन गिवन है। अगेन आपको आइडमपोटेंट फाइंड करना है या फिर आपको फाइंड करना है इनवोलेटरी है, किसके बराबर आपको फाइंड करना था। सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन के तमाम स्टेप बिल्कुल वैसे उतार दोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने पे जाओगे। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, मैट्रिक्स ए को जब ए से मल्टीप्लाई करोगे, बेसिक कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे करके दिखा दी क्या हो रहा होगा, तो ए स्क्वायर का आंसर आपके पास ये आ रहा होगा। ए स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा मेरा बेटा, आपके पास ए स्क्वायर का आंसर ये आ रहा होगा। तो अगर आप गौर करो तो ये चीज जो आपके पास आई है इसके बराबर आई है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आई है, यानी कि आपके पास जो ए स्क्वायर का आंसर आ रहा होगा किसके बराबर आ रहा होगा, ए के बराबर आ रहा होगा। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि आपको जो यहाँ पे आंसर अचीव हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर। और ये किसकी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स की, यानी कि लास्ट में रिजल्ट क्या लिख दोगे, हैज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। क्या लिख दोगे, हैज द गिवन मैट्रिक्स इज आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, सिंपल इज दैट। क्योंकि जब हमारे पास ए स्क्वायर का आंसर ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा आ रहा है, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स आ रहा है, सिंपल इज दैट मेरा बेटा। इसमें कोई मसले की बात नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी सारे बच्चों का ये आंसर आ रहा है, सबने सॉल्व कर लिया खुद से बैठ के, तमाम बच्चों ने सॉल्व करा खुद से बैठ के भाई, है भाई तमाम बच्चों ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। अब फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, सही ना भाई? इसको भी जल्दी से देख लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बहुत ही मजे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से आप पढ़ना स्टार्ट करें, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर कोई मुश्किल चीज है, बेटा कुछ मुश्किल नहीं है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के अंदर, बहुत सिंपल सी चीज है। जल्दी से पहले क्वेश्चन को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 का पहले पार्ट नंबर 1 दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। क्या फाइंड करना है, हर्मिशन मैट्रिक्स या स्क्यू हर्मिशन, हमें ये बताना है कि भाई इनमें से हर्मिशन कौन सा है, स्क्यू हर्मिशन कौन सा है, या नीदर कौन सा है, यानी कि जो कोई भी किसी के भी बराबर ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के रिस्पेक्ट से, पेपर के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर दिस थिंग। पेपर के रिस्पेक्ट से क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन गिवन है, 3 1 माइनस का 2 आयोटा, और आगे क्या गिवन है, 4 प्लस का 7 आयोटा, और यहाँ पे क्या गिवन है मेरा बेटा, ये गिवन है आपको यहाँ पे 1 प्लस 2 आयोटा, इधर गिवन है आपको -4, इधर गिवन है आपको -2 आयोटा, इधर क्या गिवन है आपको 4 माइनस का 7 आयोटा, इधर गिवन है आपको सिंपल तरीके से 2 आयोटा, इधर गिवन है आपको सिंपल तरीके से 5। सही है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास बेसिकली ओरिजिनली ये क्वेश्चन आ रहा है, आपके पास बेसिकली ये क्वेश्चन आ रहा है, सही है। आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है कि भाई ये हर्मिशन है या स्क्यू हर्मिशन है। अब इस बात को वेरीफाई कैसे करेंगे कि आया हमारा जो गिवन मैट्रिक्स है वो हर्मिशन के बराबर है या स्क्यू हर्मिशन के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने इस कॉन्सेप्ट को भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा हुआ है कि भाई हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको उसकी कंडीशन समझा देता हूँ बेटा। आप आपने हमने इस चीज को पढ़ा हुआ है कि भाई जो हर्मिशन मैट्रिक्स होता है, हर्मिशन मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है कि जब आप ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट लेते हो एंड देन ट्रांसपोज लेते हो, अगर तो ये बराबर आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के, देन द मैट्रिक्स इज टर्म्ड एज द हर्मिशन मैट्रिक्स। व्हाइल स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ये होता है कि जब मैं ओरिजिनल मैट्रिक्स का
कॉन्जुगेट लूं और फिर उसका ट्रांसपोज लूं। अगर ये नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए तो ये क्या कहलाता है? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाता है। सही है ना? क्वेश्चन नंबर 10 में सिर्फ ये बेसिकली खेलना है आपने यार, ट्रांसपोज लेना है, ये करना है, वो करना है, इसमें कोई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने वाली चीज होगी नहीं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप में से कोई भी बच्चा परेशान हो रहा है ना, सर क्वेश्चन चैप्टर 2 इतना मुश्किल है, अरे मुश्किल नहीं है, सब ईजी है, बस थोड़ा सा अपने आपको हौसला दो, यू कैन डू एवरीथिंग मेरे प्यारे बच्चों। सही है ना? तो भाई देखो, हमें बेसिकली प्रूफ करने आया ये हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन है, नीदर है। अच्छा, नीदर के मायने क्या होते हैं? ऐसा मैट्रिक्स अगर दे दिया जाए जो इन तीनों में से किसी को वेरीफाई ना कर रहा हो, ऐसा मैट्रिक्स अगर आपको कभी दे दिया जाए जो कि तीनों में से किसी को भी वेरीफाई ना कर रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मेरा बेटा, उसको हम बोलेंगे नीदर, यानी कि इनमें से कोई भी वैल्यू अगर वेरीफाई ना हो रही हो। तो आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा मैंने आपसे क्या कहा, अच्छा बच्चा कौन होता है जो क्वेश्चन को एडिटेड एक दफा उतार रहे, क्योंकि ऑब्वियसली ए को आप सपोज करवाओगे ना, एग्जामिनर को क्या पता ए क्या है, तो पहले आप ओरिजिन मैट्रिक्स को हमेशा ए कहते हो। इसको एक दफा लिख दो, 3 1 माइनस का 2 आयोटा, एंड ऑब्वियसली इट विल बिकम 4 प्लस का 7 आयोटा। और ये क्या गिवन है भाई, 1 प्लस 2 आयोटा, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 2 आयोटा, ये गिवन है भाई 4 माइनस का 7 आयोटा, 2 आयोटा एंड देन 5। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉन्जुकेट निकालेंगे, क्योंकि हर्मिशन में या स्क्यू हर्मिशन में हमने काम क्या करना होता है, सबसे पहले नंबर के ऊपर हम निकाल लेंगे कॉन्जुकेट। और कॉन्जुकेट क्या होता है, इसको इस साइन से डिनोट करते हैं। कॉन्जुकेट के मायने क्या होते हैं, चैप्टर 1 भी पढ़ा चुका हूँ, इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। तो ये क्या बन जाएगा, जितनी इमेजिनरी टर्म्स आ रही है सबके साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 4 माइनस का 7 आयोटा, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 आयोटा, ये -4 नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि ये रियल नंबर है, आप सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करते हो। नेगेटिव का 2 आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आयोटा। इधर देखो 4 माइनस 7 आयोटा, इमेजिनरी टर्म का सिर्फ साइन कन्वर्ट करना होता है कॉन्जुकेट में, 4 प्लस 7 आयोटा बन गया। ये देखो, ये 2 आयोटा आ रहा है, इमेजिनरी टर्म है, नेगेटिव का 2 आयोटा, ये प्लस का 5, एज इट इज का एज इट इज रहेगा। अब हमने क्या कर दिया, हम लोगों ने भाई अपने इमेजिनरी टर्म्स के साइन कन्वर्ट कर दिए। अब बेसिकली इसका ट्रांसपोज ले लेंगे जल्दी से। अब क्या करेंगे, जो कॉन्जुकेट हमने लिया है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, सिखाया हुआ है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे हलवा क्वेश्चन है भाई, कोई मसले की बात नहीं, इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन करवा दिए, अब ये तो आपको हलवा लगना चाहिए। ट्रांसपोज क्या होता है भाई, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करना। देखो ये फर्स्ट रॉ आ रही है, इसको ऐसा कॉलम में कन्वर्ट करके लिख दूंगा, तो क्या बन जाएगा, 3 1 प्लस 2 आयोटा 4 माइनस का 7 आयोटा। इसी तरीके देखो, ये सेकंड रॉ आ रही है, इसको ऐसा कॉलम में लिख देंगे हम लोग, क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 आयोटा, नेगेटिव का 4 एंड 2 आयोटा का 2 आयोटा। तो फिर देखो, ये थर्ड रॉ आ रही है, इसको थर्ड कॉलम के तौर पे लिख देंगे, क्या बन जाएगा, 4 प्लस का 7 आयोटा, 4 प्लस का 7 आयोटा, -2 आयोटा 5 का 5। ये आपने क्या कर दिया, आपने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुकेट लिया, देन उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये आंसर आ रहा है। अब जल्दी से चेक करो, क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर है कि नहीं है, जल्दी से चेक कर लो भाई सारे बच्चे, क्या ये जो आपके पास आंसर आ रहा है ये आपको ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप तमाम लोगों के पास किताब है ना, चेक करके बताओ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्यों, मुझे तो पता है आ रहा है, यानी कि भाई चेक कर लो जल्दी से भाई। देखो, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ए था, कि आपका जो आंसर आया वो इसके बराबर आ गया, बिल्कुल आ गया, यानी कि हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि भाई इस कंडीशन को। और ये कंडीशन क्या कह रही है हमसे, कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था, ये कौन सा मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स है, यानी कि जब मैंने अपने मैट्रिक्स का कॉन्जुकेट लिया देन ट्रांसपोज लिया, तो ये किसके बराबर आ गया, ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर आ गया। तो ये क्या मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमें जो मैट्रिक्स गिवन है, कौन सा मैट्रिक्स गिवन है, हर्मिशन मैट्रिक्स की कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं। ये ना मेरे प्यारे बच्चे, बात समझ में आई, इसमें कोई मसला किसी बच्चे को? सही है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स को वेरीफाई कर रहा है। तो 10 का पार्ट नंबर 1 सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया भाई, सिंपल तरीके से क्या हो गया, 10 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 को देखिएगा, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, 10 का पार्ट नंबर 2। भाई जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में बैठे हुए, इसीलिए बैठे हुए बेटा, आप क्वेश्चन पूछ सको, जल्दी से मुझे बताओ भी, बात क्लियर है ना? अब जरा पार्ट नंबर 2 देख लीजिए भाई, बहुत सिंपल सा काम है, हमने सारी मुश्किल वाले काम देख लिए ना, अभी बड़ी सिंपल सी चीज है यार। अब देखो इसमें क्या है, नेगेटिव का आयोटा है, 3 आयोटा है, फिर ये आयोटा आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 आयोटा, फिर इधर क्या आ रहा है, 7 आयोटा, इधर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव का 5 आयोटा। अच्छा भाई, आगे मूव करेंगे, जब आगे मूव करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या है, आयोटा, नेगेटिव का 5 आयोटा, और यहाँ पे क्या है, सिंपली नेगेटिव का आयोटा। अच्छा अब जरा बात को समझिएगा, अगेन हमें सेम चीज करनी है, एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है, आपको वेरीफाई करके बताना है ये हर्मिशियन मैट्रिक है या स्क्यू हर्मिशियन है या फिर नीदर है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे भाई, लेट ए इज इक्वल टू, जो भी मैट्रिक्स आ रहा है उसको ए के बराबर सपोज कर लेंगे, तो नेगेटिव का आयोटा, 3 आयोटा आयोटा, फिर क्या बन गया, ये बन गया 3 आयोटा, ये बन गया 7 आयोटा, ये बन गया नेगेटिव का 5 आयोटा। फिर ये क्या है, देखो आयोटा है, ये है नेगेटिव का 5 आयोटा, ये है नेगेटिव का आयोटा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अब देखो, अब क्या
काम करना है, अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? सबसे पहले ए कॉन्जुगेट को फाइंड कर लेंगे। ए कॉन्जुगेट क्या होता है कि भाई जितने भी आपके मैट्रिक्स के अंदर, आपके इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर, आपके इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर जितने भी आपके पास ये इमेजिनरी टर्म्स आ रही है, सबके साइन कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कॉन्जुगेट का बेसिक मायने क्या होते हैं? इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। नेगेटिव का आयोटा प्लस आयोटा बन गया, ये प्लस का 3 आयोटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 3 आयोटा हो जाएगा, ये प्लस का आयोटा नेगेटिव का आयोटा हो गया। सही, ये प्लस का 3 आयोटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 3 आयोटा हो गया, ये प्लस का 7 आयोटा नेगेटिव का 7 आयोटा हो गया, ये माइनस का 5 आयोटा क्या हो गया? प्लस का 5 आयोटा हो गया, और साथ साथ ये प्लस का आयोटा नेगेटिव का आयोटा हो गया, ये नेगेटिव का 5 आयोटा प्लस का 5 आयोटा हो गया, नेगेटिव का आयोटा फाइनली प्लस का आयोटा हो गया। तो हम लोगों ने क्या कर लिया? अभी अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉन्जुकेट ले लिया। अब फाइनली अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज ले लेंगे। भाई हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं यार नर्सरी क्लास के। कैसे लेंगे भाई ट्रांसपोज? कैसे लेते हैं? तो ये फर्स्ट रो आ रही है उसको एज अ कॉलन लिख देंगे, तो क्या बन गया? देखो आयोटा नेगेटिव का 3 आयोटा और नेगेटिव का आयोटा। अब देखो जो सेकंड रो आ रही है इसको पूरा कॉलम में कन्वर्ट करके लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा? ये बन जाएगा नेगेटिव का 3 आयोटा नेगेटिव का 7 आयोटा प्लस का 5 आयोटा। अब गौर से देखो ये जो थर्ड रो आ रही है इसको एज अ कॉलम में लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव का आयोटा प्लस का 5 आयोटा और आयोटा। अब गौर से देखिएगा, अब जरा क्वेश्चन मजे का है भाई। देखो आपने क्या करा अभी तक? आपने अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का जब कॉन्जुकेट लिया देन ट्रांसपोज लिया, क्या ये ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर आ रहा है? गौर से देखो, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन था नेगेटिव आयोटा प्लस का 3 आयोटा आयोटा, जबकि यहाँ पे सबके साइंस कैसे आ रहे हैं? कन्वर्ट आ रहे हैं। आप कंपेयर करवा के चेक कर लो, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन गिवन है, आपको ये एक ही वैल्यू है ना, ओरिजिनल क्वेश्चन है आपका। और आपके पास देखो यहाँ पे जो तमाम साइंस आ रहे हैं किसमें आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं एस कंपेयर टू दिस, यानी कि हमें ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं मिल रहा। तो अगर मुझे इसे ओरिजिनल क्वेश्चन पे कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? पूरे मैट्रिक्स से आयोटा को, पूरे मैट्रिक्स से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लूंगा। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये आंसर आया है ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर आ जाए, तो पूरे मैट्रिक्स से हम लोग क्या कर लेंगे? नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे। तो क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयोटा प्लस का 3 आयोटा प्लस का आयोटा। पूरे मैट्रिक्स में नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हैं, सही है ना भाई? नेगेटिव का 3 आयोटा क्या बन जाएगा? प्लस का 3 आयोटा। नेगेटिव का साइन आयोटा क्या बन जाएगा? प्लस का 7 आयोटा। 5 आयोटा क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 5 आयोटा। माइनस का आयोटा क्या बन जाएगा? प्लस का आयोटा। प्लस का 5 आयोटा क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 5 आयोटा। एंड प्लस का आयोटा क्या बन जाएगा? नेगेटिव का 5 आयोटा। यानी कि हम लोगों ने क्या करा? हम लोगों ने बेसिकली अपने पूरे के पूरे मैट्रिक्स से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। अब इसको कंपेयर करवाइए ओरिजिनल मैट्रिक्स से, कि अब आपके पास वही चीज आ रही है। इधर देखो भाई, ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स गिवन है। अब देखो भाई, अब ये बिल्कुल मेरे क्वेश्चन के मुताबिक बन गया। अब जब मैंने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो अब ये हमारे एग्जैक्टली क्वेश्चन के बराबर बन गया, यानी कि ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर बन गया। और मैंने सारी बातें आपको पढ़ाई में स्क्यू हर्मिशन और हर्मिशन के अंदर, तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा। यानी कि हम लोगों ने क्या करा? जब कॉमन ले लिया तो नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। यानी कि अगर आप गौर करो तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि भाई जब ओरिजिनल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लिया और फिर ट्रांसपोज लिया, तो बेसिकली किसके बराबर आया आंसर? नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। किसके बराबर आया? नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर। और ये बेसिकली किसकी एग्जांपल होती है भाई? ये किसकी कंडीशन होती है? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की। यानी कि लास्ट में मैं रिजल्ट के तौर पे क्या लिख सकता हूँ? हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्या लिख सकता हूँ लास्ट में कि भाई हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे? इस तरीके से हम लोगों ने इस बात को वेरीफाई कर लिया। जल्दी से मुझे बताओ भाई, सबको बात पल्ले पड़ती है? कोई मसला किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? भाई आप जो ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हैं वो यही फायदा है, और जो बच्चे बाद में देखते हैं भाई ऑनलाइन क्लास में यही फायदा है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। जल्दी से मुझे बताओ भाई, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जल्दी से मुझे बता दो। अच्छा भाई, अब जरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी 10 का पार्ट नंबर 3 आ रहा है। अगेन हमें वही सारा काम करना है। हमें क्या करना है भाई? वेरीफाई करना है कि आया ये हमारे पास हर्मिशन है, स्क्यू हर्मिशन है, या फिर नीदर के बराबर है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चे? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं बेटा मुल्क के। कैसे सॉल्व करोगे? देखो अगेन सबसे पहले लिख दोगे भाई लेट ए इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या कर दोगे? अब इस बात को लिख दोगे। क्या लिखोगे भाई? लेट ए इज इक्वल टू वन नेगेटिव आयोटा, नेगेटिव वन प्लस का आयोटा, आयोटा वन वन प्लस का आयोटा। यानी कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आपने ए के बराबर सपोज करवा लिया। ये क्या है भैया? नेगेटिव वन प्लस का आयोटा और जीरो का जीरो। यानी कि जो भी हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन आ रहा है उसको सबसे पहले हम लोगों ने ए के बराबर सपोज करवा लिया। अगेन सिमिलर स्टेप फॉलो करेंगे, सबसे पहले ए कॉन्जुकेट निकाल लेंगे। कॉन्जुकेट क्या होता है? सिर्फ इमेजनरी टर्म्स का साइन कन्वर्ट करना। तो वन का वन एज इट इज रहेगा, नेगेटिव आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगा। नेगेटिव वन प्लस आयोटा क्या हो जाएगा? नेगेटिव का वन नेगेटिव का आयोटा। क्योंकि कॉन्जुकेट के मायने क्या होते हैं? इमेजनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना। देखो ये प्लस का आयोटा है तो नेगेटिव के आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसी तरीके से हमारे पास ये वन का वन एज इट इज रहेगा, ये क्या बन जाएगा वन माइनस का आयोटा, इधर भी क्या बन जाएगा वन माइनस का आयोटा, इधर क्या बन जाएगा नेगेटिव वन नेगेटिव आयोटा, और जीरो का जीरो एज इट इज रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया, अपना कॉन्जुकेट निकाल लिया। अब क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इस कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज ले लेंगे। अब जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो भाई ट्रांसपोज सिंपल तरीके से सबको समझ में आ चुका है, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करना इज बेसिकली ट्रांसपोज, सही ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए चेक कर लेते हैं भाई, तो ये बन गया पहली रो कर दी हम लोगों ने, सेकंड रो के ऊपर मूव करिएगा नेगेटिव का आयोटा वन वन माइनस का आयोटा, और यहाँ पे क्या होगा थर्ड रो को फिर कन्वर्ट कर दीजिए कॉलम के अंदर, तो क्या बन जाएगा वन माइनस आयोटा नेगेटिव का वन नेगेटिव का आयोटा और जीरो। यानी कि हम लोगों ने क्या कर दिया, बारी बारी तीनों रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, बारी बारी तीनों रॉस को हम लोगों ने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये कहलाता है ट्रांसपोज लेना। अब जरा गौर से देखो, क्या आपके पास जब आपने कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज लिया कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन मिल रहा है नहीं मिल रहा, सबसे पहले इसको वेरीफाई कर लो, क्योंकि अगर तो मिल रहा होगा तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स बन जाएगा। अब चेक कर लो, देखो भाई ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स था कि आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा है ट्रांसपोज लेने पे, नहीं मुझे साफ दिख रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वन प्लस आयोटा यहाँ पे वन माइनस आयोटा, तो इसका मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा, इसका मतलब कि ओरिजिनल मैट्रिक्स नहीं मिल रहा। नेगेटिव साइन कॉमन लेके चेक कर लेते हैं, शायद ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाए। हम नेगेटिव साइन कॉमन लेके कभी भी हर्मिशन मैट्रिक्स फेल हो जाए तो हमेशा स्क्यू हर्मिशन को देखते हैं भाई, तो नेगेटिव साइन अगर पूरे मैट्रिक्स का मैं कॉमन ले लूं। अब मसला क्या है इस क्वेश्चन में, देखो अगर मैं पूरे मैट्रिक्स से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे तमाम टर्म्स का साइन कन्वर्ट होगा, क्योंकि जब मैं नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो पूरे मैट्रिक्स से कॉमन लूंगा तो बेटा हर मैट्रिक्स के नेगेटिव साइन कॉमन लिया जाएगा, तो फिर ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स भी नहीं बनेगा। प्लस का वन से कॉमन लूंगा मैं तो क्या बनेगा, नेगेटिव का वन बन जाएगा, नेगेटिव का आयोटा से जब नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो प्लस का आयोटा बन जाएगा, ये वन माइनस आयोटा से जब नेगेटिव साइन में कॉमन लूंगा तो इट विल बिकम नेगेटिव का वन प्लस का आयोटा, फिर प्लस के आयोटा से नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो नेगेटिव का आयोटा बन जाएगा, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स से हम नेगेटिव साइन को कॉमन बेसिकली कंसीडर कर रहे हैं, ले रहे हैं, सही है ना भाई। तो वन से जब नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो नेगेटिव वन बन जाएगा, नेगेटिव वन नेगेटिव आयोटा से कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा वन प्लस आयोटा बन जाएगा, नेगेटिव वन नेगेटिव आयोटा से कॉमन लूंगा तो वन प्लस आयोटा बन जाएगा। इसी तरीके से जब वन माइनस आयोटा से नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा, क्योंकि पूरे मैट्रिक्स से नेगेटिव साइन कॉमन ले रहे हो तो तमाम टर्म्स का साइन कन्वर्ट होगा। रिमेंबर दिस थिंग, कॉन्जुकेट इज समथिंग डिफरेंट, कॉन्जुकेट क्या होता है सिर्फ इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करना, वाइल जब मैं पूरे मैट्रिक्स से नेगेटिव साइन निकालूंगा तो तमाम टर्म्स का साइन कन्वर्ट होता है, ये बहुत कॉमन सी बात है। तो क्या बन जाएगा नेगेटिव का वन प्लस का आयोटा, और जीरो से नेगेटिव साइन कॉमन लेने पे जीरो जीरो ही रहेगा, उसका मसला नहीं होगा। अब जरा चेक कर लीजिए क्या ये आपके पास ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा, चेक कर लीजिए नहीं बन रहा अभी भी। क्यों नहीं बन रहा सर, अब तो बनना चाहिए भाई। देखो ओरिजिनल मैट्रिक्स में यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव वन आ रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे नेगेटिव आयोटा आ रहा है, ओरिजिनल मैट्रिक्स के यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे नेगेटिव का वन है, सही है ना भाई। इसका मतलब ना तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स है ना ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है, बल्कि ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नीदर कहलाएगा। तो अब लास्ट में रिजल्ट, भाई रिजल्ट हमेशा लिखिएगा, एक नंबर का रिजल्ट होता है मेरा बेटा, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, रिजल्ट लिख दोगे। रिजल्ट क्या है आपके पास, नीदर इट इज अ हर्मिशन मैट्रिक्स नॉर इट इज अ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, यानी कि इन दोनों में से कोई भी नहीं है ये मैट्रिक्स। बात पल्ले पड़ती है तमाम बच्चों को भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बात पड़ती है, समझ में आता है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्लियर है सबको, किसी बच्चे को कोई मसला है इस क्वेश्चन में जल्दी से मुझे बता दो, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के अंदर, देखो बहुत डिटेल में समझाया, बड़ी मेहनत करके समझाया, अगर बात पल्ले पड़ती है, अगर समझ में आता है तो फाइनली क्वेश्चन 11 में मूव कर सकते हैं। देखो अगेन मैं एक बात कहूंगा, प्रैक्टिस हमेशा इंसान को अच्छा आदमी बनाती है। अगर आप ये समझते हो कि कॉन्स्टेंट मुश्किल है, आई होप कि आप गलत हो गए होंगे। मेरे ख्याल में मैंने एक एक चीज बहुत डिटेल में सिखाई है आपको, एक एक स्टेप खुद करके दिखाया है भाई। दूसरे टीचर की तरह मैं ना तो मैं पहले बोर्ड भर देता हूँ और फिर बच्चे को समझाता हूँ, नहीं मैं पहले पीडीएफ आपको पढ़ा रहा होता हूँ, मैं आपको एक एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करवाता हूँ ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो सके मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन ईजी नहीं था, ईजी अलहमदुल्ला इसको हमने बना दिया, अब आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। अब फाइनली क्वेश्चन नंबर 11 पे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज का, पहले बता रहा हूँ। और इसी क्वेश्चन पे हमारा फाइनली आज का लेक्चर एंड होगा। बड़े मजे का क्वेश्चन है, बा खुदा बड़े मजे का क्वेश्चन है, मुझे बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन को करवाने में, क्योंकि इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इतना प्यारा है, मैं आपको क्या बताऊं। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, पहले बता रहा हूं, अगर बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप 5 दफा करेंगे तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 10 दफा करनी है आपने, सही है ना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कह रहा है, कहता है कि भाई फाइंड द रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड, फाइंड द रियल नंबर्स एक्स वाई एंड जेड। अब देखो आपको मैट्रिक्स गिवन है, थ्री एक्स प्लस का टू आयोटा, थ्री एक्स प्लस का टू आयोटा, आगे गिवेन है वाई आयोटा, आगे गिवेन है थ्री माइनस का टू आयोटा, थ्री माइनस का टू आयोटा, आगे गिवेन है जीरो, आगे गिवेन है वन प्लस का जेड आयोटा, आगे गिवेन है वाई आयोटा, फिर गिवेन है वन माइनस का एक्स आयोटा,
फिर गिवन है नेगेटिव वन। तो बेटा ये क्वेश्चन गिवन है आपको, आपको इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको ये अननोन्स फाइंड करने हैं, और ये अननोन्स नए नए हैं हमारे लिए। लास्ट लेक्चर में हम अननोन्स वाले क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है हर मिशन के साथ। बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चिल मारो भाई, चुटकी बजा के क्वेश्चन सॉल्व होगा। चुटकी बजा के क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपसे कह रहे हैं अननोन्स निकालने। तो भाई अननोन्स क्या होते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं, ये एक्स वाई और जेड नॉर्मली अननोन्स कहलाते हैं। तो हमें बेसिकली इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है। मैंने आपको क्वेश्चन पे मार्क करके दिखा दिया कि हमें बेसिकली इन अननोन्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, आपसे कहा जा रहा है ये जो मैट्रिक्स ए है ना, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी कि ये क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन गिवन है। अभी सारी बातें समझेंगे क्या मतलब है इसका। सबसे पहले नंबर के ऊपर सॉल्व कैसे करना है प्यारे बच्चे, सॉल्व करने का तरीके का देखो भाई, आपको एक क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहला काम क्या होगा भाई, आपको ए की वैल्यू गिवन है। सबसे पहला काम भाई, हर अच्छे बच्चे के नजदीक पहला काम क्या होता है भाई, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा उतारना। भाई एग्जामिनर ये सारी चीजें देखता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपको एक एक स्टेप के साथ चीज पढ़ाता हूँ कि भाई कैसे करना है क्वेश्चन, क्योंकि यही वो तरीकेकार है जिससे बच्चों के 100 out of 100 नंबर आते हैं या 90+ नंबर आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। एक दफा आपने क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर लिया, सही ना प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर लिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें अननोन की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो आप इस बात को लिख दोगे, आपको फाइंड क्या करना है, आपने वो लिख देना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब जरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, मजे की चीज। देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, भाई ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात क्वेश्चन ने गिवन है कि आपका जो मैट्रिक्स आपको गिवन है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स क्या कैसा दिया जा रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो कि मैट्रिक्स ए कैसा है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई मैट्रिक्स ए कैसा मैट्रिक्स गिवन है आपको, हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है। यानी कि जो मैट्रिक्स ए गिवन है आपको, हर्मिशियन मैट्रिक्स गिवन है। इसका आप मतलब जानते हो, मतलब क्या है इसका, मतलब आपको कंडीशन गिवन है। क्यों कंडीशन गिवन है, देखो एग्जामिनर बड़ा चालाक आदमी है, उसने आपको डायरेक्टली कंडीशन नहीं दी, उसने आपको एक छोटी सी हिंट दे दी कि भाई देखो मैट्रिक्स है हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसके लिए हिंट काफी है, वो बोलेगा भाई अच्छा तो मैट्रिक्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है, उसके जहन में फौरन से हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन आ जाएगी। हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है मेरा बेटा, कि जब मैं ए मैट्रिक्स का सबसे पहले कॉन्जुकेट लूंगा और कॉन्जुकेट का फिर ट्रांसपोज लूंगा, तो ये किसके बराबर होगा, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। ये कंडीशन होती है ना हमारे पास हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो बेसिकली एग्जामिनर ने ये कंडीशन जानबूझकर डायरेक्टली नहीं दी, एग्जामिनर बड़ा चालाक आदमी है, उसने क्या करा, उसने कोड वर्ड्स के अंदर आपको एक कंडीशन दे दी। बड़े मजे का काम किया उसने, उसने आपको कोड वर्ड में कंडीशन दे दी कि भाई आपका मैट्रिक्स ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब जो पढ़ने वाला बच्चा होगा उसके जहन में जल्दी से कॉन्सेप्ट आ जाएगा हर्मिशियन मैट्रिक्स होता क्या है। अब यानी कि ये आपको कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन के ऊपर हम एक्स वाई और जेड को फाइंड करेंगे। कैसे, कि सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज निकालेंगे, ए कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज निकालेंगे और फिर उसको ए से कंपेयर करवाएंगे, और इस तरीके से एक्स वाई और जेड को इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये सारा काम कैसे करेंगे, बहुत आसान सा काम है, बात समझिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं भैया, सबसे पहले हम लोग एक कॉन्जुकेट ले लेते हैं। एक कॉन्जुकेट कैसे लेते हैं भाई, अब तक सबको अजबर याद हो चुका होगा, आपने मैट्रिक्स से आपको गिवन है सब। कॉन्जुकेट क्या होगा भाई, कॉन्जुकेट कहते हैं इमेजिनरी टर्म का साइन कन्वर्ट करने को। तो भाई 3 का 3 एज इट इज, ये प्लस का 2 आयोटा नेगेटिव का 2 आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई आयोटा नेगेटिव का वाई आयोटा हो जाएगा, सही है। 3 माइनस 2 आयोटा क्या बन जाएगा, 3 प्लस का 2 आयोटा, 0 का 0 एज इट इज रहेगा। 1 प्लस का z आयोटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का z आयोटा, वाई आयोटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव का वाई आयोटा, और 1 माइनस का x आयोटा। देखो सिर्फ इमेजिनरी टर्म्स का साइन कन्वर्ट करना है ना, तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस का x आयोटा, और -1 -1 ही रहेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाल लिया, कॉन्जुकेट निकाल लिया। अब क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज निकाल लेंगे इस कॉन्जुकेट का। क्या निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, कैसे निकालेंगे अभी, रॉस को कॉलम में कन्वर्ट करके। ये आपकी फर्स्ट रो आ रही है, उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। ये है 3 का 3, ये हो गया x माइनस का 2 आयोटा, ये नेगेटिव का y आयोटा, सही है। फिर सेकंड वाली रो को कन्वर्ट करवा देंगे कॉलम के अंदर, तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे करवाएंगे, अगेन ये बन गया 3 प्लस का 2 आयोटा, 0 का 0 एज इट इज, ये आ गया 1 माइनस का z आयोटा। फिर आप थर्ड वाली उसको कन्वर्ट करवा दोगे मेरे प्यारे बच्चे, थर्ड वाला कॉलम ये रहा, इसको मार्क भी कर देता हूँ भाई, मार्क करने की वैसे जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझाने के लिए वैसे सारे काम मैं कर रहा हूँ, ताकि सबको एक एक बच्चे को समझ में आए क्लास में, सही है। 1 प्लस का x आयोटा और -1 -1। अब देखो हम लोगों ने क्या कर लिया, हमने बेसिकली इस वैल्यू को फाइंड कर लिया हमने, यानी कि ए कॉन्जुकेट के ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, इधर मैं ए
कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की वैल्यू को पुट करूंगा और इधर ए की वैल्यू को पुट करूंगा, और फिर दोनों को आपस में कंपेयर करवा लेंगे प्रॉपर्टी को मैट्रिक्स को यूज करके, और फिर एक्स वाई और जेड को इजिली फाइंड कर लेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 2 और 4 में कर रहे थे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहां तक हम लोगों ने क्या काम करा है भाई, यहां तक हम लोगों ने सबसे पहले चूंकि क्वेश्चन ने कहा था हर्मिशियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, तो हम लोगों ने सिंपल तरीके से अभी तक क्या काम करा, अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले हर्मिशियन मैट्रिक्स की कंडीशन बना ली है। अब फाइनली इनको कंडीशन में पुट कर देंगे, इस जुमले को यहाँ पे लिखेंगे, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को डाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। तो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, भाई देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे जो ये वाली वैल्यू है, ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ना मेरा बेटा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे सिंपल तरीके से हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज की, और इक्वल टू के इस तरफ हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों को। जल्दी से पुट कर लेते हैं भाई, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है, ये है 3 3 प्लस 2 आयोटा माइनस का वाई आयोटा, यहाँ पर है एक्स माइनस का 2 आयोटा, इधर 0 का 0, इधर आ रहा है 1 प्लस का एक्स आयोटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई नेगेटिव का वाई आयोटा, इधर हो गया 1 माइनस का जेड आयोटा, इधर बन गया नेगेटिव का 1। उसी काम किया हुआ है, सही ना मेरा बेटा। अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, सिंपल तरीके से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ए कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज लिख दिया इधर, और इक्वल टू के इस तरफ क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इधर ए की वैल्यू आएगी, इधर किसकी वैल्यू आएगी, सिंपली ए की वैल्यू आएगी। तो ए की वैल्यू क्या है भाई, ए की वैल्यू है 3 x प्लस का 2 आयोटा और वाई आयोटा का वाई आयोटा एज इट इज, है ना भाई, सिंपल तरीके से लिख दिया। उसके बाद क्या करना है भाई, इधर है 3 माइनस का 2 आयोटा एज इट इज का एज इट इज, जो यानी कि क्वेश्चन ओरिजिनली आपको गिवन है 0 का 0, इधर आ गया आपका 1 प्लस का जेड आयोटा, बुक में क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन यानी कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए उसको लिखना है यहाँ पे, वाई आयोटा का वाई आयोटा, और इधर क्या आ गया 1 माइनस का एक्स आयोटा एन माइनस का 1 एज इट इज, यानी कि हम लोगों को जो हर्मिशियन मैट्रिक्स वाली कंडीशन गिवन थी ना, हमने उसमें इस तरफ अपना पुट कर दिया ए कॉन्जुकेट का ट्रांसपोज और इधर पुट कर दिया ओरिजिनल मैट्रिक्स के। अब फाइनली हम दोनों मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर करवा सकते हैं। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की पढ़ाई भी है कि कभी भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल टू के आमने सामने आ जाएं तो हम क्या लिखेंगे भाई, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, ये जुमला लिखेंगे भाई अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। भाई ये क्वेश्चन डिटेल में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पहले बता रहा हूँ, और शॉर्ट में भी आने के चांसेस है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है भाई, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि देखो ये 3 प्लस 2 आयोटा के सामने क्या है, एक्स प्लस 2 आयोटा, ये आपस में बराबर होंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई। क्या बन गई इक्वेशन नंबर 1, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 क्या आ गई हमारे पास, देखो इसके सामने ये एलिमेंट है इसके बराबर आ गया, यानी कि 3 प्लस का 2 आयोटा किसके बराबर है, सिंपली एक्स प्लस के 2 आयोटा के, इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए। इसी तरीके से देखिए ये वाई आयोटा जो है इसके सामने क्या आ रहा है, वाई आयोटा आ रहा है, ये भी आपस में बराबर होगा, यानी कि नेगेटिव का वाई आयोटा के सामने क्या आ रहा है, प्लस का वाई आयोटा, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। इसी तरीके से आगे मूव करेंगे, इसी तरीके से हम लोग आगे मूव कर लेंगे मेरा बेटा। अब देखो इधर देखो मेरे प्यारे बच्चे, x माइनस का 2 आयोटा, ये जो x माइनस 2 आयोटा है इसके सामने क्या है, 3 माइनस का 2 आयोटा। लास्ट लेक्चर में वाली सारी बातें मैंने पढ़ाई थी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये आ गया 3 माइनस 2 आयोटा के बराबर, इसको इक्वेशन 3 कह दिया, सही है ना भाई। इसी तरीके से 1 प्लस का एक्स आयोटा किसके सामने है, 1 प्लस z आयोटा के, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई 1 प्लस का जो एक्स आयोटा आ रहा है वो किसके सामने आ रहा है, 1 प्लस के जेड आयोटा के सामने, इक्वेशन 4 बन गई। इसी तरीके से भाई वाई आयोटा नेगेटिव का इसके सामने आ रहा है और ये 1 माइनस z आयोटा इसके सामने आ रहा है। इस तरीके से हम लोगों ने सारी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जो अननोन है उनको निकाल लेना है। तो नेगेटिव का वाई आयोटा किसके सामने आ रहा है, प्लस के वाई आयोटा से, इसको भी निकाल लिया, इसको इक्वेशन 5 कह दिया, सही है। और इक्वेशन 6 क्या होगी, ये 1 माइनस का जेड आयोटा किसके सामने आ रहा है, 1 माइनस का जेड आयोटा आ रहा है 1 माइनस के एक्स आयोटा के सामने, तो इसको इक्वेशन 6 कह देना है। अब इन इक्वेशन को फाइनली सिंप्लीफाई करवाएंगे, कैसे सिंप्लीफाई करवाते हैं मेरा बेटा, बहुत ही आसान चीज है। देखो भाई आपने क्या करना है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, मुझे इसमें एक चीज साफ दिख रही है भाई, इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 5 ये किसी काम की नहीं होंगी। क्यों किसी काम की नहीं होंगी, पहले बता देता हूँ भाई, इसके अंदर देखो नेगेटिव का वाई आयोटा कैंसिल आउट हो जाना है, यानी कि इसके अंदर कोई हमें फायदा नहीं मिलेगा, तो इक्वेशन 2 और 5 से इतना फायदा नहीं होगा जितना हमें साफ मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से पहले एक्स की वैल्यू को फाइंड करने पे मूव करूं, यानी कि मुझे ये बात साफ दिख रही है कि अगर मैं किसी तरीके से, अगर मैं क्या कर लूं किसी तरीके से पहले इक्वेशन नंबर, सबसे पहले क्या कर लूं भाई, इक्वेशन नंबर 1 को सिंपलीफाई कर लूं। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या गिवन है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और से देखिएगा, सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मुझे गिवन है कि भाई ये कह रहा है मुझसे कि एक्स
प्लस का टू आयोटा किसके बराबर आ रहा है, थ्री प्लस का टू आयोटा बेसिकली बराबर आ रहा है किसके मेरा बेटा, ये सिंपल सी बात कर रहा है कि आपके पास जो सिंपली, हमारे पास जो सिंपली थ्री प्लस का टू आयोटा बराबर आ रहा है किसके बराबर आ रहा है, एक्स प्लस टू आयोटा के, किसके बराबर आ रहा है एक्स प्लस टू आयोटा के, है ना भाई। थ्री प्लस का टू आयोटा किसके बराबर आ रहा है, एक्स प्लस टू आयोटा के। तो गौर से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, गौर से। अब जरा अपने इक्वेशन में सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखो भाई आपके पास जो इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर वन क्या आ रही है, थ्री प्लस का टू आयोटा किसके बराबर आ रहा है, एक्स प्लस टू आयोटा के। भाई जब मैं प्लस के टू आयोटा को दूसरी तरफ सेंड करूंगा तो प्लस वाली टर्म वहां पे आके माइनस में बन जाएगी, यानी कि प्लस टू आयोटा से प्लस टू आयोटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है ना, अगर मैं एक्स का एक्स इधर ही रहने दूं, प्लस का टू आयोटा वहां भेजूंगा तो वहां जाके क्या बन जाएगा, माइनस का टू आयोटा, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे पहली वैल्यू मिल गई एक्स की, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मेरा बेटा, थ्री के बराबर मिल गई। एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, थ्री के बराबर। इस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर, आप चाहे तो फोर में डाल दीजिए, इस एक्स की वैल्यू को किसमें पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फोर के अंदर, आपको देखें जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए पुट कर देते हैं, पुटिंग पुटिंग वही बहुत सिंपल सी चीज है, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर फोर, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर फोर। तो मेरा बेटा क्या हो जाएगा, वन प्लस का, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, थ्री, थ्री आयोटा बन गया, सही है ना। इक्वल टू के बाद क्या है, वन प्लस का जेड आयोटा, इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है मेरा बेटा, वन प्लस का जेड आयोटा। अब जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल सा है। कॉन्सेप्ट क्या सिंपल सा है, अब कैसे सॉल्व करें सर इसको, भाई बहुत आसान तरीका है। देखो प्लस का वन जब दूसरी तरफ जाएगा मेरा बेटा, ये जो प्लस का वन है इसको दूसरी तरफ सेंड कर दो पहले, तो क्या बन जाएगा वहां पे जाके, ये प्लस वन माइनस का वन हो जाएगा, प्लस का थ्री आयोटा एज इट इज का एज इट इज, इक्वल टू के बाद जेड आयोटा का जेड आयोटा। अच्छा भाई देखो प्लस वन से माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली ये क्या बन गया, जेड आयोटा इज इक्वल टू थ्री आयोटा, सही है ना। इस आयोटा से आयोटा कट जाएगा, तो जेड की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, थ्री के बराबर आ गई। जेड की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, थ्री के बराबर आ गई। यानी कि जब आपने प्लस के वन को दूसरी तरफ भेजा तो क्या हो गया, वो कैंसिल आउट हो गया। जब आपने प्लस के वन को दूसरी तरफ भेजा तो क्या हो गया, वहां पे जाके नेगेटिव वन के बराबर हो गया, सही है ना। और फिर आयोटा से आयोटा कट गया, जेड की वैल्यू थ्री आ गई। अब वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करें, दैट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सर, वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें बेटा, वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब देखो y वाली टर्म्स कौन सी है, एक y वाली टर्म है इक्वेशन टू के अंदर, देखो y आ रहा है इक्वेशन नंबर टू में, एक तो y आ रहा है और इक्वेशन नंबर फाइव में y आ रहा है। तो आप कोई सी भी एक इक्वेशन ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर, अल्लाह भला करे इक्वेशन नंबर टू ले लेता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि वाई की इक्वेशन सिर्फ इक्वेशन वन और सॉरी इक्वेशन टू और इक्वेशन फाइव में, तो हम सिंपल तरीके से क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन जल्दी से लिख लेते हैं अपने पास। क्या लिखूंगा भाई, सिंपल तरीके लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू मेरे प्यारे बच्चों, देखो इक्वेशन नंबर टू हमसे क्या कह रही है, इक्वेशन नंबर टू कह रही है नेगेटिव का वाई आयोटा इज इक्वल टू वाई आयोटा। इक्वेशन नंबर टू क्या कह रही है, नेगेटिव का वाई आयोटा इक्वल टू वाई आयोटा। अब देखो मुझे यहां से क्या चाहिए, मुझे यहां से y की वैल्यू चाहिए, इस आयोटा से आयोटा कट जाएगा, तो क्या बन गया, नेगेटिव का y इक्वल टू y। और नेगेटिव का y इक्वल टू y क्या होगा, इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूं नेगेटिव का y इक्वल टू y क्या होगा, आप बोलोगे सर फाइंड कैसे करें इसको, कैसे फाइंड करें इसको। भाई देखो मैं इस वाई को अगर दूसरी तरफ सेंड करूं तो क्या बन जाएगा, ये भी नेगेटिव का वाई हो जाएगा, है ना भाई, इक्वल टू जीरो बन गया यहाँ पे। नेगेटिव का वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव का टू वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सही है। अब देखो ये नेगेटिव का टू यहाँ पे वाई से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो अगर मुझे वाई की वैल्यू चाहिए तो बेसिकली जो नेगेटिव का टू यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर जीरो से क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। दोबारा समझ लीजिए अगर किसी बच्चे को मसला होता है इसके अंदर, देखो इक्वेशन नंबर टू मैंने यहाँ पे लिख दी, आयोटा से आयोटा कट गया, तो हमने क्या करा भाई, वाई को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, जब नेगेटिव का वाई पहले से यहाँ पे था, प्लस का वाई जब इस तरफ आएगा तो नेगेटिव का वाई बचा और यहाँ पे जीरो बच गया। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का टू वाई इक्वल टू जीरो, नेगेटिव टू वहां से आके जीरो से डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, है ना भाई। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। तो इस तरीके से फाइनली हम लोगों ने एक्स वाई और जेड को फाइंड कर दिया। तो एक्स की वैल्यू क्या आई, थ्री, वाई की वैल्यू क्या आई, जीरो, और जेड की वैल्यू भी क्या आ गई, थ्री आ गई। इस तरीके से फाइनली, तो लास्ट में रिजल्ट लास्ट में लिखोगे और रिजल्ट बहुत ही सिंपल सी इंग्लिश होती है, क्या लिखोगे, हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज दिस दिस दिस। दोबारा समझ लीजिए पूरे क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, किसी बच्चे को मसला होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, आपसे कहा जा रहा है आपको एक्स वाई और जेड फाइंड करना है, आपसे कहा जाता है कि मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो बेसिकली आपको एक कंडीशन गिवन है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस कंडीशन को यूज करना है। तो कंडीशन हर्मिशियन मैट्रिक्स की, तो आप पहले ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बना लोगे। तो आपने जब ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पहले फाइंड आउट कर लिया, बना लिया, सिंपल तरीके से आपने ये क्या काम करा, आपने सबसे पहले ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बना लिया और फिर इसको अपनी कंडीशन में पुट कर दोगे। कंडीशन में पुट करने के ऊपर आपको आमने सामने बेसिकली दो मैट्रिक्स मिल जाएंगे और फिर वहां से आप बेसिकली कंपेयरिंग करवाओगे, कंपेयरिंग करवा के जो इक्वेशंस आएंगी
उनको सिंप्लीफाई करोगे बेसिक तरीके से। भाई ये सिंप्लीफिकेशन जो मैंने करी है बिल्कुल बच्चों वाली है, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। इस तरीके सिंप्लीफिकेशन करने के ऊपर फाइनली आपको तमाम अननोन की वैल्यूज मिल जाएंगी, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फाइनली क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी अपने मनतकी अंजाम पे पहुंचेगी। लास्ट में बस दो छोटी सी बातें करूंगा, आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये क्वेश्चन क्लियर होगा। वो तमाम बच्चे जो ऑनलाइन बैच में बैठे हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस में बैठे हुए, अगर आप में से किसी बच्चे को बेटा इसमें मसला हो रहा है जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि भाई इस क्लास को मंतक के अंजाम पे पहुंचाते हुए एक्सरसाइज 2.1 को एंड करूं। मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क ये है, बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है बेटा। अब जो आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे आएगा, इसमें आपका होमवर्क ये है कि यस, एक तो आपका एक्सरसाइज 2.1 के मैं सिर्फ उसका टेस्ट लेने वाला हूँ, थ्योरेटिकल चीजों का यानी कि एमसीक्यूज बेस का। पहला टेस्ट मैं अनाउंस कर देता हूँ, एक्सरसाइज 2.1 की जितनी मैंने डेफिनेशंस आपको करवाई थी उसका टेस्ट होगा संडे वाले दिन। संडे वाले दिन वो तमाम बच्चे जो ऑनलाइन बैच में बैठे हुए, तो आपके लिए मेरा बेटा एक्सरसाइज 2.1 की तमाम डेफिनेशंस और कंडीशंस का मैं टेस्ट लूंगा संडे वाले दिन, पहले बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 की। और फिर ट्यूजडे वाले दिन मैं 2.1 का टेस्ट ले रहूंगा, बाद में बता दूंगा, अनाउंस कर दूंगा वो भी। मगर पहला टेस्ट किस चीज का है, मैट्रिसेस की जो तमाम डेफिनेशंस थी, मैट्रिसेस की जो तमाम डेफिनेशंस थी, कंडीशंस थी, मैं उसका टेस्ट लूंगा। और जो मैंने एग्जांपल्स करवाई थी, मैं वो एग्जांपल्स भी टेस्ट के अंदर दूंगा, पहले बता रहा हूं, खुदा रहे इस बात को ध्यान में रखिएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सही है ना भाई। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो मुझसे पढ़ते हैं, भाई आपके लिए हिदायत ये है कि मेरा प्यारा बेटा मुझे मालूम है मैथ्स की किताब में मसले मसाइल हो जाते हैं, सही है ना भाई। तो आपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। देखो ये चीजें मुश्किल नहीं है, अनलेस एंड अंटिल आप प्रैक्टिस ना करो। मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं सर सारी बात क्लियर है, सब समझ में आया, मगर जब हम करने बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती है। वो इसलिए प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिस नहीं करते। तो भाई अगर आपने फ्रेश अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आज रात तक इस होमवर्क को, इस जो क्लास में काम हुआ इसको एटलीस्ट अपनी कॉपी के ऊपर उतार लूं, और फिर सैटरडे संडे वाले दिन उनकी प्रैक्टिस करूं। और जो चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज रखो भाई, हफ्ते में एक दिन निकालो पिछले काम के लिए जो पहले काम पढ़ चुके हैं, और एक दिन निकालो जो भी नया काम साथ साथ चल रहा है उसको रिवाइज करने के लिए। अगर आप मेरी इस टेक्निक को फॉलो करोगे, आप आराम से 90 to 95+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो मैथ्स के पेपर में, कोई मुश्किल चीज नहीं होती। जो बच्चे अच्छे नंबर लेकर आते हैं बेटा, वो भी इंसान के बच्चे होते हैं, कोई हैवान के बच्चे नहीं होते। तो यहीं पे इस क्लास को मैं अपने मंतव्य के अंजाम पे पहुंचाऊंगा, एंड करूंगा इस उम्मीद के ऊपर कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप में से किसी को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप जल्दी से मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से बेटा मुझे बता दो, और कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, तो तमाम बच्चों में से किसी को भी कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी